हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको सीक्वेंस ब्लाउज का वीडियो शेयर करने जा रही हूं। तो हमने ये सीक्वेंस फैब्रिक लिया है और ये अस्तर। तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक पे। तो मेन फैब्रिक को हम साइड में रख लेते हैं और अस्तर को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो मैंने अस्तर को बिछा लिया है और सबसे पहले हम इसका लंबाई लेंगे। तो हमारे ब्लाउज का तैयार लंबाई है 13 इंच, तो हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 13.5 इंच हम लेंगे लेंथ। इसके बाद अब हम यहाँ पे 1/4 इंच मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा बैक ओपन रहेगा इसलिए हम यहाँ पे 1/4 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हम पहले बैक का पार्ट कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। इसके बाद शोल्डर का मार्क करेंगे, तो शोल्डर हम मार्क करेंगे 5.5 इंच पर। इसे मार्क करने के बाद में अब हम आर्म होल मार्क करेंगे, तो आर्म होल भी हम 5.5 इंच पर लेंगे। क्योंकि एक बात आपको ध्यान देना है कि हम शोल्डर जितना लेते हैं उतना ही हमें आर्म होल लेना होता है। अब इसके बाद में चेस्ट का मार्क करेंगे, तो चेस्ट है हमारा 32 इंच, उसका फोर्थ होता है 8 इंच और 2 इंच उसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, तो 10 इंच पर हमने मार्क कर लिया। इसे स्ट्रेट मार्क कर लेंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। अब इसके बाद में हम नेक का मार्क करेंगे, तो नेक हम लेंगे यहाँ पे 3 इंच और इसका लेंथ लेंगे नीचे से 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमें डीप नेक चाहिए, और यहाँ पर हम 20 शेप देंगे। तो बैक पार्ट की हमारी मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसे कट कर लेते हैं। इसे कट करने के बाद में हम बैक पार्ट में यहाँ से 4 इंच पर मार्क करेंगे और इसका लेंथ लेंगे 3.5 इंच पर, और ये हमारा बैक टक्स का मार्क है। इसे हम जितना पकड़ के सिलेंगे उतना हम मार्क कर लेते हैं, और इसे खोल के दूसरे साइड भी इसका निशान लगा लेते हैं। तो बैक पार्ट हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है, अब हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम बचा हुआ अस्तर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। और बैक पार्ट में हमने 13.5 इंच लेंथ लिया था, तो इसमें हम 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे, तो 14 इंच पर हम मार्क करेंगे और शोल्डर 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद आर्म होल भी हम 5.5 इंच पर ही मार्क करेंगे और इस तरह बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद चेस्ट का मार्क करेंगे, तो चेस्ट है हमारा 32 इंच, उसका फोर्थ होता है 8 इंच और उसमें से हम 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे, तो 10 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। कमर है हमारा 28 इंच, उसका फोर्थ होता है 7 इंच और टक्स के लिए हम 1.5 इंच लेंगे, 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये ब्लाउज हमारा 1 टक्स का है इसलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे और 2 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो 10.5 इंच पर मार्क करके हमने इन दोनों पॉइंट को मिला लिया है। और यहाँ पे हम थोड़ा डीप लेते हुए आर्म होल का मार्क कर लेंगे, यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे। इसके बाद हम नेक का मार्क करेंगे, तो यहाँ पे हम नेक लेंगे 3 इंच, यहाँ पे हमारा बोट नेक है इसलिए हम यहाँ पे 3 इंच लेंगे और इसका लेंथ लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पर मार्क करके हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और हल्का सा राउंड शेप देते हुए मार्क कर लेंगे, गोलाई में शेप देंगे। अब हम यहाँ से टक्स का पॉइंट निकालेंगे, तो ऊपर से हम टेप रखेंगे और 10 इंच पर मार्क कर लेंगे, और इसके बाद साइड से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे, नीचे साइड हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। इसे मार्क करने के बाद में दोनों पॉइंटों को हम मिला लेंगे। इसके बाद टक्स के लिए हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो यहाँ पर हम प्रिंसेस कट बनाएंगे, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्क करके प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। और यहाँ पे हमें मार्क नहीं करना है, हमें सिर्फ नीचे 1 टक्स के लिए ही ब्लाउज बनाना है। तो चलिए इसका कटिंग कर लेते हैं। कट करने के बाद में हम यहाँ पे 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह तिरछा एक लाइन खींच लेंगे और इसे कट कर लेंगे। ये हम टक्स बनाने के बाद में जो हमारा ब्लाउज टेढ़ा हो जाता है वो नहीं होगा, और इसलिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा फ्रंट और बैक अस्तर कटिंग हो चुका है, स्लीव हम नहीं कट करेंगे क्योंकि ये हमारा ब्लाउज स्लीवलेस है। इसके बाद हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे और इसे डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे इस तरीके से। इसके ऊपर हम बैक और फ्रंट दोनों पार्ट रख के कट कर लेंगे। तो हमारे दोनों ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है, अब चलिए हम इसका स्टिचिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट हम पहले साइड में रख लेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट बना के दिखाएंगे आपको। तो पहले हम मेन फैब्रिक को इस तरह से बिछा लेंगे और उसके ऊपर जो अस्तर है हमारा फ्रंट पार्ट का उसे रखेंगे। अच्छे से सेट करते हुए हमें रखना है इसे। इसे रखने के बाद में हम नेक में और आर्म होल पर सिलाई लगाएंगे।
इसे सिलाई लगाने के बाद मैं जो नेक का और आर्म होल का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक पे और आर्म होल पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे राउंड शेप के लिए। कट्स लगाने के बाद में इसे हम पलट लेंगे। तो हमने इसे पलट लिया है और इसे हम प्रेस से अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ पे हम सिलाई नहीं चलाएंगे, तो मैंने इसे प्रेस से सेट कर लिया है। और इसके बाद में हम जो अस्तर है नीचे का उसे मेन फैब्रिक में अटैच करेंगे। इसे अटैच करने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। तो मैंने इसे कट कर लिया है और जो ये हमारा प्रिंसेस कट है, टक्स जो हमारा है, इसे पकड़ के सिल लेंगे अच्छे से। प्रिंसेस कट का शेप देते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे हम। तो फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट पार्ट बन के तैयार है। नीचे साइड बस हमें एक पट्टी लगाना है। तो इसी तरह हमें बैक पार्ट भी तैयार करना है। जैसे मेन फैब्रिक को अस्तर पे रखेंगे, नेक पे आर्म होल पे सिलाई लगा के पलट के हमें प्रेस से सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने बैक पार्ट भी तैयार कर लिया है। उसी तरह नेक पे और आर्म होल पे सिलाई लगा के पलट लिया है और प्रेस से सेट कर लिया है। और इसका शोल्डर जो है ये मैंने अलग तरीके से ज्वाइंट किया है। तो अगर आप इस तरीके से ज्वाइंट करना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैंने एक ब्लाउज में बता रखा है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आई बटन पे, तो आप जाके देख लेना। इसके बाद हम नीचे साइड हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। और हमने यहाँ पे जो टक्स के लिए मार्क किया था उसे भी सिल लिया है दोनों साइड का। तो हमने ये दो पट्टियाँ ली हैं, एक अस्तर और एक जो हमारा ये सीक्वेंस फैब्रिक था उसमें का जो वेलवेट का कपड़ा था उसको लिया है। तो हम जो अस्तर है उसे डबल फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से रखेंगे एक साइड। ये हमारा आई पट्टी है, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद में इसे ऊपर साइड भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इसे खोलेंगे और दूसरे साइड पलटते हुए हम इसे सिलाई लगा देना है। हमें यहाँ पे इसे पूरा फोल्ड करके सिलाई लगाना है क्योंकि ये हमारा आई पट्टी है। अब इसके बाद में हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे और उसमें हुक पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए हमने ये जो वेलवेट का कपड़ा लिया था उसे हमें फोल्ड नहीं करना है, सीधे रख के इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करके सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद में इसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और कच्चा सिलाई लगाएंगे और इसके बाद हम इसे दूसरे साइड पलटते हुए पूरा हमें पलटेंगे, थोड़ा सा पलटेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये हमारा हुक पट्टी है और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हुक पट्टी और आई पट्टी बन के तैयार हो गया है। हम इन दोनों को मिला लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर पिन लगा लेंगे एक। इसके बाद इसे दोनों पार्ट को इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे और देखेंगे हमारा छोटा बड़ा तो नहीं है, तो ये हमारा एकदम परफेक्ट है। और हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे फ्रंट पार्ट को भी मिला के। अब इसके बाद में हम इसे सीधा करेंगे और यहाँ पे अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिला के हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे कच्चा, ये हमारा जो सिलाई है वो अंदर छुप जाएगा। ठीक इसी तरह हमें दूसरे साइड भी सिलाई लगाना है। फिर इसके बाद हम पिन को खोलेंगे और इसे सीधा पलटेंगे। सीधा पलटने के बाद में हमें यहाँ पे एक और सिलाई लगाना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा करने से जो हमारा सीक्वेंस है वो अंदर साइड नहीं आएंगे और हमें चुभेंगे भी नहीं। तो इस तरह से दोनों साइड हमें सिलाई लगा देना है। इसके बाद में हम जो जितना हमारा फिटिंग का मार्क है उतना मार्क करके हमें सिलाई लगा देना है फिटिंग का। तो मैंने इसे फिटिंग का सिलाई लगा दिया है और इसे सीधा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बोट नेक सीक्वेंस ब्लाउज बन के तैयार है। आपको हमारा ये ब्लाउज बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें।